देखना पांच आएगा, ये देखाया ना, अब देखाएगा। ओए लौंडो, तुम लोग को आजी साहब ने बुलाया है, चलो। तुम मार गए, इसकी बात सुनो। जाइए सर, सारे ऑफिसर हमसे मिलने एक साथ नहीं आ सकते क्या? पहले एसपी आए, फिर डीएसपी आए, और अभी आईजी आए हैं। इनको और कोई काम नहीं है क्या? चलो तुम खेलो भाई, ये आखिरी बार है, चलो साहब। क्या बोलते हो, इस जज से बुलाने की आदत बना लो है? चलो जाकर इनसे भी मिल लेते हैं। चलो चल। मुझे ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? कहा था चार महीने के बाद हम ये काम करेंगे, लेकिन तुम लोगों ने सुना नहीं। लेकिन अब क्या हो गया? पूछता है क्या हो गया, हमने कितना बड़ा काम किया है और हमें बच्चों की जेल में डाल दिया। अगर हम चार महीने के बाद ये काम करते तो हम 19 साल के हो जाते और हम लोग बड़ी जेल में जाते। मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। जाने दो, बड़े जेल जाना है उसमें भी चले जाएंगे, फिलहाल चलते हैं अभी। ए, कितना बकबक करते हो, चुप नहीं रह सकते क्या? सर ले आया सबको। ए लुंगी नीचे करो। आई विटनेस कौन है? 8 साल का लड़का है सर, उसका नाम रामू है, कल आइडेंटिफिकेशन के लिए आ रहा है। ले जाओ इन सबको। यस सर। ए चलो सब, चलो चलो। ये सब सुधरने वाले नहीं है, प्रोटेक्शन स्ट्रॉन्ग करो सर। उसी समय काट डालने के लिए बोला था, लेकिन तूने बच्चा है करके उसे छोड़ दिया। अब देख वही हमारी शिनाख्त करने के लिए आ रहा है, अब वो गवाही देगा। शिनाख्त नहीं करेगा वो। अगर कर दिया तो? मैंने कह दिया ना कि वो कुछ नहीं बोलेगा। ए, वो गवाही देगा या नहीं देगा ये सब बोलना बंद करो। कल वो गवाही नहीं देना चाहिए, अगर गवाही दिया तो उधर ही काट डालेंगे। का ख्याल रखना माँ। मुझे नहीं चाहिए ये, मैं नहीं पहनूंगा। 8, 9, 10। मॉर्निंग सर। नमस्ते सर। नमस्ते। इन सबको ध्यान से देखो और बताओ कौन था। Thank you.
ऐसे कोई भी नहीं है। रामू, तुमने वहां पे झूठ क्यों बोला? वो नहीं बताएगा भैया, हमारे बिरादरी के लोग सीना तान कर मरेंगे मगर किसी की शिनाख्त नहीं करेंगे, और ये भी तो हमारी ही बिरादरी का है। अरे हम थोड़े ना उन लोगों का इंतजार करके बैठेंगे कि वो जेल से कब छूटेंगे। अगर वो जल्दी रिहा होते हैं तो हम उन्हें जल्दी टपका सकते हैं। लगता है इसने भी यही फैसला किया होगा। नहीं नहीं, माँ जी आपने बुलाया क्या? हाँ बुलाया था, उधर मुर्गी है उसे जरा काट दो तुम। ठीक है माँ जी। कल्पिता गर्म पानी तैयार है? हाँ तैयार है, अभी लाती हूँ। अभी नींद खुली इसकी। कॉलेज कब खुलने वाला है? अगले हफ्ते भैया। सुनो है? उसे बाहर ले जाकर काटो। जी भैया। हमारा परिवार तो ऐसा है जहाँ इंसानों को काटा जाता है, और तुम हो कि मुर्गी काटने से हिचकिचाते हो। इतना डरपोक है मेरा बेटा। अरे सुनो। हाँ बोलो। वो मैंने प्याज छील दी है, उसे अंदर ले जाओ। हाँ, और बक बक करना बंद करो, नारियल अंदर से लेकर आओ। हाँ ज्यादा सब्जी बड़ा बड़ा मत काटना। हाँ सब्जी बना लेना। हाँ कटी हुई सब्जी को बर्तन में डालो। इतना धीरे धीरे करोगी तो कान छेदने का रस्म पूरा हो जाएगा। जल्दी जल्दी करो, सुबह जल्दी उठना है। इसे इसमें मिला दो और हाँ मिर्ची भी डाल दो। ए उर्गेश पांड्या, अच्छा काम होने वाला है और तुम बवाल मचा रहे हो। तुम चुप रहो, ऐसे क्या देख रहे हो? सीना तान कर तुम ही कहते थे ना कि इस इलाके का भाई सिर्फ मैं ही हूँ। अब समझ में आ रहा है ना कि वो आग सिर्फ तुम्हारी बीड़ी में है। अरे आप ऐसी बेइज्जती क्यों कर रहे हैं? करूँगा, उसने कितनी बार हमारी बेइज्जती की है पता है? देखिए तो कैसी बात कर रहा है ये। तुम चुप रहो, उसे बेटी दी है। मेरी बात सुनो, हमारे गांव के सभी रिश्तेदारों और बिरादरी वालों को निमंत्रण पत्र देकर आने को बोल दिया है मैंने। सुबह होते ही तुम्हारे सबसे बड़े बेटे की गोद में मेरी बेटी होनी चाहिए, मगर वो अभी पुलिस स्टेशन में बंद है। अगर वो सुबह तक नहीं आया तो मैं किसी भी लड़के की गोद में बिठाकर मेरी बेटी का कान छेदवा दूंगा, और ऐसा होते हुए देखने के लिए तुम जिंदा नहीं बचोगे। सब तैयारी कर लो, कान छेदने के लिए मेरा बेटा जरूर आएगा। गाड़ी निकालो। नमस्ते पांड्या जी। इज्जत देने में कोई कमी नहीं है। कैसे हो इंस्पेक्टर? पुरानी दुश्मनी की वजह से ऐसे समय में हमसे बदला लेना चाहता है। उसे क्या लगा अगर उसने मेरे बेटे पर केस कर दिया तो मैं भाग कर इधर आऊंगा क्या? एक केस नहीं तुम हजार केस फाइल कर दो, उससे कब और कैसे निपटना है मुझे मालूम है। खाकी वर्दी और काला कोट से डरने वाले इंसान नहीं है हम लोग। मैं सीधे मैटर पर आता हूँ। कल मेरी पोती के कान छेदने वाले हैं, मेरे बेटे का वहां होना जरूरी है। कान छेदने की रस्म खत्म होते ही तुम उसे कोर्ट ले जाना, समझ में आ गया ना? सुनो, आपका बेटा लॉकअप में, आप तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे वो लॉज में। FIR दर्ज हो गया है, अगर अब मैं कुछ गलत करा तो मेरी नौकरी जाएगी। हमेशा की तरह वकील के साथ आइए। मेरे बेटे को ले आओ। अच्छे से
चल बेटा नाना नानी के पैर धोकर आशीर्वाद ले। अशरफ ये लो ये चेन इसके गले में पहना। मेरी पोती कान छिदवाने के बाद कितनी सुंदर लग रही है। अब क्या होगा? Hey, चलो। जैसे मेरे भैया चाहते हैं भाभी को लड़का होना चाहिए। ये बताओ ये दोनों ऐसा एक दूसरे को क्यों देख रहे हैं? तुझे क्यों जलन हो रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ये बताओ आने वाले हफ्ते में मंदिर आने वाली हो? मुझे पता नहीं, मुझे पास वाले गांव में उत्सव के लिए जाना है। हाँ, मैं भी तो तेरे साथ चलूंगी। क्या हुआ? मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि यहाँ हर जगह खतरा है, फिर ऐसे दौड़कर मुझे टेंशन क्यों दे रहा है? बहुत बढ़िया। क्या हुआ, तेरे चेहरे पे खुशी नहीं दिख रही? आपने कहा था इसलिए अप्लाई किया था, मुझे ट्रेनिंग के लिए बुला रहे हैं। ये सलाम उलाम करना मेरे बस की बात नहीं है। भैया मैं कह रहा था बकवास बंद कर, कुछ भी बोल रहा है तू। सुन मेरी बात, हाथ में कोयता लेकर पुरखों से चलती हुई अपनी दुश्मनी को यहीं खत्म करना होगा हमें, समझ गया तू? इतनी मेहनत से पढ़कर तुझे नौकरी नसीब हुई है और तू उसे ठोकर मारने पर तुला हुआ है। तू पुलिस वाला बनेगा, तारकेश्वर इंजीनियर बनेगा और तुम लोगों को देखकर गांव के सब लोगों का हौसला बढ़ेगा। हमें लोगों के मन से ये सोच हटानी है कि हम लोग सिर्फ कोयता उठाना जानते हैं।
और ऐसी सोच को हटाने की जिम्मेदारी तुम दोनों पर है। जब मेरे सपने साकार होने वाले हैं तो तू ऐसा क्यों कह रहा है? मैंने कभी आपकी बात टाली है भैया, चलता हूं। चंदन, इससे तेज चलाऊंगा तो घर पहुंचने की बजाय ऊपर पहुंच जाओगे। सीधी तरह बैठो। ड्राइवर फिल्म का पहला सीन चला जाएगा, तेज चलाओ ना। इसी तरह लटके रहे तो तुम चले जाओगे। ऊपर हो जाओ। मेरी जो तेरी बस में आया। कैसे कैसे लोग मिलते हैं, तेज चलाओ गाड़ी। टिकट टिकट टिकट, किसी का टिकट बाकी है? आपको कहाँ जाना है? 12 रुपए पोस्ट ऑफिस का अगला स्टॉप देना। उसके लिए 100 रुपए दे रहा है, देखना क्या लिखा है। रुपया छुट्टे पैसे दीजिए, वो तो आपके लिए लिखा है। ना तो टिकट लेने वाला सही है ना तो जगह सही है। ए कंडक्टर, अभी तक बैलेंस नहीं मिला मुझे। ऊपर का रॉड ठीक से पकड़ो, तभी बैलेंस मिलेगा, नहीं तो गिर जाओगे। ए कैसी बातें करते हो, 50 रुपए के बैलेंस मांग रहा हूँ। मुझे भी बैलेंस नहीं मिला, मिलेगा तो दे दूंगा। टिकट 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 टिकट, चलो स्टॉप आ गया, चलो उतरो उतरो उतरो, जल्दी जल्दी जल्दी। टिकट टिकट टिकट, अरे खड़े मत हो, जाओ उतरो, चलो उतरो जल्दी। पीछे देखो देखो, मैं कह रही हूँ ना, मेरी तरफ देखो। वेरी गुड, ये तो वही लड़की है जिसे मंदिर में देखा था। क्या वही है क्या? अरे बाप रे, ये तो आंख मार रही है। वो मुझे देखकर आंख मार रही थी या इसे देखकर आंख मार रही थी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लड़की होकर मैं आंख मार रही हूँ और ये आदमी होकर दूसरी तरफ देख रहा है। चल एक बार बिना डरे पीछे घूमकर उसे देखता तो हूँ। अगर इस बार उसने घूमकर मुझे देख लिया, इसका मतलब वो मुझसे प्यार करता है। पूरा बदन कांप रहा है। अरे ये तो फिर से आंख मार रही है, ये किस गांव की हो सकती है? मगर बहुत सुंदर है। चलो जल्दी चलो। क्या हुआ पिताजी? क्या हुआ पूछ रहे हो? जो कहता हूं नहीं करते हो, नहीं कहता हूं करते हो। बाहर की दीवार पर देखा, दास के पोस्टर लगे हैं। मालिक दे दे। मेरे सामने हाफ पैंट में खेलता था और आज हर तरफ उसके पोस्टर हैं। तुम मैनेजर हो, चल भाग। थोड़ी सी झपकी क्या लग गई, उसने तो मुझे ना के बराबर कर दिया। पैसा और जायदाद तो कभी भी खरीद सकते हैं, मगर उसने मेरे नाम के साथ साथ मेरा मान मर्यादा सब बर्बाद कर दिया। मेरी जो भी बर्बादी हुई है वो मुझे वापस चाहिए। आप ही ने तो हमें शांत रहने के लिए कहा था। बहुत बर्दाश्त कर लिया। मैंने सुना इस बीच में तू किसी मुश्किल में आ गया था। अरे मैं एक दिन तालाब में नहाने गया था, वहाँ बोर्ड पर लिखा था कि कच्छा पहनकर तालाब में उतरना मना है, तो मैंने कच्छा उतारकर तालाब में डुबकी लगा ली। फिर पीछे से आकर पुलिस वालों ने
पकड़ कर मुझे तोड़ डाला। ये क्या किया तूने? जब कानून तोड़ेगा तो पुलिस वाले कहाँ छोड़ने वाले हैं तुझे? मैं क्या करूँ यार, ये पुलिस वाले कानून को मानो तो मारते हैं, कानून तोड़ो तो मारते हैं। सिर्फ एक बात समझ में आई है कि पुलिस वाले मार मार कर पैंट बजा देते हैं और कुछ नहीं। अरे संभल कर रहे यार, तेरी अब शादी हो गई है, तेरे ऊपर घरवाली की भी जिम्मेदारी है। कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ को समझाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे सूखे हुए पेड़ पर दूध डालो या दही डालो तो सूखा ही रहता है, वैसे भी। अच्छा हुआ सब चले गए, अब इधर कोई नहीं है, अब मैं आराम से नहा सकता हूँ, कोई नहीं देख रहा। तो इसे तैरना नहीं आता? क्या करना है मुझे पता है, समझा? जाओ हाँ? जाओ, जाओ यहाँ से, देख ले मुझे, वापस आऊंगा। अरे वहीं पर उन्हें काट डालना चाहिए था। सब लोग एक साथ क्यों बोल रहे हैं? एक आदमी बोलो ना। कल नंदन थिएटर से मेरे भाई को हमारे गांव का नहीं होने की वजह से बाहर निकाल दिया। बस उतना ही नहीं भाई, गेट में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है हमारे गांव वाले अंदर नहीं जा सकते, तभी गांव के लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, शर्म के मारे हम कहीं नहीं जा सकते। क्या तू भी फालतू बात कर रहा है? अरे बात करने के बजाय उस थिएटर को ही हम जला डालते हैं। हाँ लेकिन हुआ भाई, आप क्यों बोलते हो? आपको सोच रहे होंगे भाई, क्या हुआ भाई, आप बिना बोले जा रहे हैं। तुम लोगों ने सारे फैसले तो ले लिए, अब मुझे कहने के लिए बाकी क्या है? तुम लोग ऐसे बातें कर रहे हो, लग रहा है कि तुम लोगों ने कुछ किया ही नहीं है। बताओ थिएटर में तुम लोगों ने क्या हंगामा किया है? भाई हमारे हीरो की फिल्म थी, हम सब ने पी रखी थी, हमसे गलती होगी, माफ कर दो भाई। सुन लो, आइंदा अगर तुम में से कोई भी थिएटर में जाकर हंगामा करता है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इस बात को यहीं पर खत्म करते हैं। अब जाओ सब लोग अपना काम करो, बाकी मैं देख लूंगा।
बच्चों से जिद करके कोई फायदा नहीं है, उन्हें रोका नहीं जा सकता। थिएटर हो, मंदिर हो या बस स्टैंड हो, ये सार्वजनिक होता है, और अगर आप अपनी पसंद के लोगों को ही अंदर जाने देंगे तो दूसरे लोगों को गुस्सा नहीं आएगा? ऐसा करके आप अपने देश के कानून का उल्लंघन करते हैं। देखिए पांड्या जी, दास पढ़ा लिखा इंसान तो है नहीं, लेकिन वो लोगों की इज्जत करता है, इस बात को आप भूल जाइए। दास ने आपसे रिक्वेस्ट की है, उसने कंप्लेन नहीं लिखाई है। अगर उसने पुलिस में कंप्लेन लिखवाई होती तो मैं आपको अरेस्ट करके आपके थिएटर को सील कर देता, लेकिन आगे से आप इस बात का ध्यान रखिएगा, इस तरह के वारदात नहीं होने चाहिए, नहीं तो मैं अपना पावर दिखाऊंगा। आप जा सकते हैं। आज फूल हो गया तो क्या करो, अभी तुम्हारे लिए खुला रखो, जाओ यहाँ से। क्यों रे, थिएटर में काम छोड़ के इधर क्यों आया? क्या करता मालिक, सब गांव वाले परेशान कर रहे हैं। आगे से पास के गांव वालों को अंदर मत आने देना, कोशिश करे तो उन्हें मार डालो, उसके बाद जो होगा उसे मैं संभालूंगा। मीना, मीना, ये क्या जी, ये थैली बदल कैसे गई? ये थैली बदल गई तो आश्चर्य में हो, अभी तुम्हारी बेटी अपना गोत्र बदलने वाली है, तब क्या करोगी? मैं कुछ समझी नहीं, साफ साफ बोलिए ना। मैं क्या बोलूंगा, तुम्हारी बेटी क्या गुल खिला रही है तुमको पता है? अब तैयारी कर लो उसकी आरती उतारने के लिए। हमारी बेटी, हमारी बेटी ऐसा गलत नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ, दो दिन पहले जब मैं तारकेश्वर से मिली थी बगीचे में, तब आपने मुझे देखा था, ये बात मुझे पहले ही पता थी, लेकिन जैसा आप समझते हैं वो वैसा नहीं है। वो बहुत अच्छा इंसान है, साधारण है, एक तितली भी अगर उसके सामने आ जाए तो वो डर जाता है, ऐसा इंसान कहाँ मिलेगा। लेकिन हमारे परिवार के लिए पढ़ा लिखा तो चाहिए, पर वो नहीं चाहिए। लेकिन मुझे वही चाहिए, मैंने फैसला कर लिया। आम जनता को थिएटर में जाने से रोकने के लिए और उसके अंदर भैंसों को बांधकर लोगों की बेइज्जती करने के लिए और हमारे संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ जाने के जुर्म में मैं नंदन थिएटर को सील करने का ऑर्डर देता हूं। कलेक्टर को क्या लगा, जिस तरह थिएटर को सील किया उसी तरह उर्गेश की मान मर्यादा को राशन में बिकने वाले चावल दाल के जैसे सील कर सकता है? कलेक्टर को छोड़ो, वो तो अभी हाल में आया है, लेकिन हमारे बारे में सब कुछ जानकर भी उस दास ने हमसे पंगा लिया, पहले उसे टपकाना होगा। ये थिएटर तो हमारे सर के एक बाल के बराबर है, मगर थिएटर बंद होने का दर्द दास को मालूम होना चाहिए। पिताजी, उसके शरीर में जान होने की वजह से ये सब कर रहा है ना, तो हम उसकी जान ले लेते हैं। हे भगवान, कितनी क्या हो गया, इसे काट डाला अकेले का खेत। दास भाई, इन लोगों ने कितनी मेरे में से काट डाला, मैं क्या करूंगी। परसों हमारी बेटी की शादी है और किसी नालायक ने हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया। दास भाई, तारकेश्वर कहाँ है? सुनो, अभी बुला कर लाओ उसे। जी भाई। अब क्या हुआ? तुम्हारा केले का खेत भी उन लोगों ने बर्बाद कर दिया। हे भगवान, पूरा बर्बाद। क्या हो रहा है ये सब? करोड़ रुपए देने से भी कोई केले का झाड़ नहीं देता, उन लोगों को बख्शना मत भाई। जिसने भी केले के बगीचे को बर्बाद किया उसका सर काट देना चाहिए। दास बेटा, रुक जा। जिन लोगों ने हमारे खेत बर्बाद किए हैं उन सबके सर काट के तालाब में फेंक कर लौटना, ये ले, एक आदमी नहीं बचना चाहिए।
तो तू यहाँ है, खुद गलत काम करके पुलिस में कंप्लेन भी करता है। तू मुझे जानता नहीं है। ए, छोड़ो मुझे। कौन है रे तू? तेरा और मेरा झगड़ा क्या है? पानी का झगड़ा है, जमीन का झगड़ा है, जायदाद का झगड़ा है? तू मुझे सुकून से जीने क्यों नहीं देता? या फिर मेरे परिवार का कामयाब होना तुझे अच्छा नहीं लगता? तेरी उम्र का ख्याल करके मैं आज तक तुझे छोड़ता आया हूँ। तुम और मैं एक ही जाति के हैं। जो खून तुझ में दौड़ रहा है वही खून मुझ में भी है। फर्क यह है कि तू गिरा हुआ है लेकिन मैं नहीं। अगर मैंने शराफत छोड़ दी ना तो कायर के जैसे रात के अंधेरे में मुंह ढककर केले का बगीचा बर्बाद करने नहीं आऊंगा, बल्कि बीच गांव में दिन के उजाले में सबके सामने खड़े खड़े चीर दूंगा। लेकिन एक बूढ़े को मारने की बदनामी ये दास नहीं चाहता। बस यही कारण है जिसकी वजह से मैं तुझे जिंदा छोड़ रहा हूं। समझ गया? क्या हुआ? गुस्सा भी ठंडा नहीं हुआ? मुझे गुस्सा नहीं है, दुख हो रहा है। इस गांव में जब भी कोई शुभ अवसर आता था तो लोग केले का पेड़ हमसे लेते थे, लेकिन अब हमें ही किसी शुभ मुहूर्त पर केले का पेड़ कहीं और से लेना होगा। इस बात का दुख है। जड़ लगाने से 6 महीने में फिर झाड़ उगाएगा, इतना क्यों सोच रहे हैं? कुछ दिनों तक किसी से पंगा मत लेना, समझ गए? समझ गया सर। बहुत मुश्किल से मैंने तुम लोगों की बेल कराई है। हाँ। थोड़ा संभल कर रहना। ठीक है सर, बाद में मिलते हैं। बेल ऑर्डर निकालने में बहुत तकलीफ हुई है, 2 महीनों तक इन लोगों को कोई लफड़ा करने मत देना। क्या हुआ? क्या लग रहे हो भैया? मजाक कर रहा है? भाभी को देखे बिना नहीं रह सकते ना भैया। अरे नहीं, मैं गांव के उत्सव में जा रहा हूँ, शाम तक लौट आऊंगा। और तुझे पढ़ाई करनी है, इसलिए तू नहीं आएगा, समझ गया? दास बेटा, आते वक्त जरा तिल के लड्डू लेते आना। इस मेले में आए सभी भक्तों का हम स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सभी दर्शक दर्शन करके शांति से यहाँ से जाएंगे। दर्शन करने के लिए आने वाले भक्तों को तो कृपया जगह दें, एक एक करके आगे बढ़ें। हमारा निवेदन है कि कोई भी अपने साथ हथियार नहीं रखेगा,
सभी आए हुए भक्तों से हमारा निवेदन है कि वो ओम काली जय काली का जप करते चले। माँ काली उन्हें आशीर्वाद देंगी। हम चाहते हैं कि सभी भक्त इस त्योहार का आनंद लें, माँ काली का आशीर्वाद लें, ओम काली का जप करें। बढ़ते रहें आगे, भीड़ मत करें, क्योंकि अधिक भीड़ होने के कारण लोगों को परेशानी होती है। माँ बाप अपने बच्चों को संभाल कर चले। अगर बच्चे किसी भी तरह से भूल जाते हैं तो उन्हें चार नंबर चौकी पर पहुंचाने की कृपा करें, वहां पर पुलिस की व्यवस्था की गई है। सभी भक्त आराम से बढ़ते चले, कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे बढ़ते चले। हम यही आपसे निवेदन करते हैं, माँ काली सबको आशीर्वाद देगी। भीड़ मत करें, अपने अपनी जगह पे चलते रहें, चलते रहेंगे तो अच्छा है, सबको दर्शन करने का मौका मिलेगा। बढ़ते रहें, जय काली माँ, जय काली माँ बोलते रहें। सभी भक्तगण अपनी श्रद्धा के साथ पूजा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा लग रहा है यहाँ पे, सभी भक्त अपने आप में झूमते हुए, नाचते हुए, आनंद लेते हुए माँ काली का आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ते रहे। बहने माताएं बुजुर्ग माताएं अपना ध्यान रखें कि वो भीड़ में खो ना जाए, बच्चों को संभालें, उनका हाथ पकड़े रहें। अरे सुनो भाई, प्रसाद कैसे दिए? 101 रुपये। हाँ एक थाल मुझे देना, ठीक है। हाँ वही बड़ा भाई। अच्छा ठीक है।
अपने भाई को क्या हो गया चंदू भाई? वो हमेशा कहते थे कि चंद्र पुलिस अफसर बन गया है। मुझे अनाथ बनाने वालों को बेल पर निकलने के 24 घंटे के अंदर अंदर मारकर उनकी राह को इस गांव में नहीं बिखरा दिया तो मैं आपका छोटा भाई नहीं हूं, ये मेरा वादा है। पापी है दुश्मन तेरे, ना करना रहम, नामो निशा मिटा दे उनका इस दुनिया से, फिर ना कोई जुल्म करे, सबक सिखा उनको, उठा ले तू अब हथियार, तू लड़ जा जुल्मी से, कर दे तू पापी संघार, मिटा दे तू जड़ से, जुल्मों से लड़ना ही है तेरा धर्म, बदला ही लेना अब है तेरा करम, एक पल भी ना रुके ये तेरा कदम, अन्याय से लड़ने की तू निभा कसम।
बदला अब लेना तुझको खा ले तू कसम, पापी है दुश्मन तेरे ना करना रहम। जो उतरा जंग वो ही जीता, आगे जो बढ़ता तूफान से न रुकता, खतरों से लड़ता शोलों पे चलता, मौत से लड़ता कभी न वो डरता। तुझ में है जोश कितना आज दे दिखा, आधी से तू टकरा जाता ताकत दे दिखा, तू ये शक्ति आज दिखा। बदला अब लेना तुझको खा ले तू कसम, पापी है दुश्मन तेरे ना करना रहम। नामो निशा मिटा दे उनका इस दुनिया से, फिर ना कोई जुल्म करे सबक सिखा उनको। सोमवार को उनकी बेल होने वाली है। Thank you.
कौन है? अरे कोई है, दरवाजा खुला है। कौन है? तारकेश्वर जल्दबाजी कर दी। अरे भाई, भाई, अरे क्या हो गया तुझे? किसने मारा तुझे? भाई उठ, भाई उठ, उठो भाई, उठो, उठो भाई, क्या हो गया? जल्दी उठा, अरे क्या हो गया इसे? भाई उठा, उठा, उठा। ये गाड़ी की चाबी दे मुझे। वो तो लाया नहीं भाई। अरे भाई, इनकी जान चली गई। अरे ऐसी बात मत कर। भाई को क्या हो गया? मुझे दो और जान लेनी है, दुर्गेश के दोनों बेटों की। बाकी लोग बाहर आ जाओ, नहीं तो हम तुम्हें भी जिंदा चला देंगे। तुम सब लोग बाहर जाओ, हमारे आदमी जिंदा होंगे तभी हम उससे लड़ सकते हैं। मैं संभालूंगा, तुम लोग जाओ, जाओ तुम लोग। ठीक है भाई, तुम इसे उठाओ, 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 धीरे से उठाओ। अंदर कौन है? चलो सब लोग बाहर आओ, चल निकल। अबे चलना जल्दी, चल। ए मुच्छर, चल, तेरी तो बाहर आ गया से। ए चल इधर, आप चल इधर, चुपके बैठा था अंदर, चल भाग यहां से, निकल। और बोले चलो बाहर निकलो सब लोग, वरना अंदर आएंगे तो सबको मार देंगे। अगर हमारे खिलाफ किसी ने गवाही दी ना, उन लोगों को भी ऐसे काट के फेंक डालेंगे यहीं पे, समझ गए? चारों तरफ से आग के गोले अंदर फेंको। चल 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 भाग यहां से, चल।
देखो सबको सावधान रहना होगा, वो लोग भी हमला करने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनके लोग मारे जा रहे हैं। चाहे दिन हो या रात हो कोई निश्चिंत नहीं रहेगा क्योंकि वो लोग बच्चों और औरतों पर भी हमला कर सकते हैं। अभी क्यों इतना रोने धोने का तमाशा कर रही हो? उसने सोचा होगा बेटों को मारने से उर्गेश पांडे फूट फूट कर रोएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। ये लाश नहीं बल्कि मेरी ताकत है। आंखों से एक बूंद आंसू नहीं आना चाहिए, बच्चा समझकर मैंने उसे छोड़ दिया था, मगर ये तो पहाड़ बन गया, हमसे ज्यादा ताकतवर बनने की कोशिश कर रहा है। तारकेश्वर, मैंने तुम्हारे भैया की लाश को अंतिम संस्कार के लिए नारियल के पत्ते में बांध कर दिया था, मगर अब तेरी जान ना तो भगवान शिव के पास है ना ही यमदेव के पास, तेरी जान मेरी मुट्ठी में है। उसे कुचलते हुए देखकर तेरी मां की कोख भी कांप उठेगी। ये उर्गेश पांडे जो अभी जिंदा है उसकी कसम है। बेटा वहीं पे रुक जा, जेल जाने के बाद इंसान अछूत हो जाता है। उधर पानी रखा है, सर पे पानी डाल के अंदर जा। नहीं डाला तो? तारकेश्वर, हमने उसके बेटों को मारा है, तुम्हें यहां अकेले नहीं आना चाहिए था, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, तुम्हें थोड़ा सावधान रहना होगा। डरना क्यों, मेरे भाई को मारा तब से सर पे कफन बांध के घूमता हूं। विश्वास नहीं है? उसे लगा आग का गोला फेंकने से ये उर्गेश पांड्या डर कर सरेंडर कर देगा। देखो सब लोग देखो, शरीर पर कितने वार हैं। उर्गेश पांड्या मर गया समझकर मारने वाले चले गए। बाहर निकलती हुई अतरी को हाथ में लेकर उसे हॉस्पिटल में जाकर मैंने टपका डाला, भूल गए? तारकेश्वर बलि का बकरा है, उसकी बलि देनी होगी।
नहीं तो मैं पापी कहलाऊंगा। वो उछल रहा है ना, उसे उछलने दो। झूठी गवाही नहीं चलेगी, आई विटनेस भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। 3-4 तारीख के बाद केस खत्म हो जाएगा, और क्या चाहिए, निश्चिंत रहो। भाई लगता है आपको किसी ने खत भेजा है। ए, हथियार उठाते ही बहुत सी चीजों को त्याग दिया था मैंने, और उसमें से एक ये भी है। आपको समझ नहीं पाया भाई, हमारी बिरादरी के लोग शादी के बाद मर्डर करते हैं या मर्डर करने के बाद शादी कर लेते हैं, लेकिन आप तो बिल्कुल अलग हो भाई। जय ने तुम्हें दोपहर के 2 बजे नदी के किनारे बुलाया है, उसे तुमसे कुछ बातें करनी है। से पूछ सकते हो कि मैं ठीक हूं या नहीं, और ना मैं तुमसे झूठ बोल पाऊंगी कि मैं ठीक हूं। समझदारी से काम करो। तुम एक छोटे बच्चे की तरह नादान हुआ करते थे, इसलिए मैंने तुमसे प्यार किया, लेकिन अब तो तुम्हारे नाम से भी खून की बू आती है। तुम्हारा हथियार उठाना न्याय था, मैं उसे गलत नहीं कह रही, लेकिन तुम नहीं जानते मुझे उस वजह से कितना डर लगता है। तारकेश्वर, अपना मंगलसूत्र पकड़कर यही सोचती रहती हूँ कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। समझने की कोशिश करो, मुझे माफ कर दो ताकेश्वर। चिंता मत करो, कुछ नहीं होने वाला, सब ठीक हो जाएगा। बेटा, तुम्हारे भैया के ससुराल वाले आए हुए हैं, उन्हें देखे बगैर तुम जा रहे हो, ये किस तरह की बात हुई? क्या चाहिए उनको? तुम्हारी भाभी और बच्चे को साथ ले जाना चाहते हैं, वो भी हमेशा के लिए। उनको ले जाने दो, अगर भाभी जाना चाहती हैं तो सिर्फ भाभी को ले जा सकते हैं। ये मेरे भैया का खून है, ये यही रहेगा। चाचा उधर है, हाँ चला जा, आजा मेरा बच्चा, आजा 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 आजा।
आप जैसा चाहते थे मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, लेकिन आपके बेटे को मैं जरूर पढ़ाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाऊंगा। उसके लिए आपको मेरे साथ रहकर मुझे आशीर्वाद देना होगा। तारकेश्वर का नाम सुनते ही सब लोग गवाही देने से मुकर जाते हैं, और एक दो लोग तैयार भी होते हैं तो ये मैटर सुनते ही वो मना कर देते हैं। अब ये लोग आकर क्या करेंगे पता नहीं। ससुर जी, गुस्सा आया ना गुस्सा तुझे? तुम्हारे बदन पर थूकने से तुम्हें गुस्सा आता है? उसने तो मेरे मुंह पर थूका है। सोचो मुझ पर क्या गुजरी होगी। 70 साल की उम्र तक मैं आज तक इतना परेशान कभी नहीं हुआ। इसके भाई के जैसे इसकी लाश भी अगर मैंने नारियल के पत्ते में बांध कर नहीं भेजी तो मेरे बदन में खून नहीं पेशाब होगा। भाई मुझ पे शक मत करो, मैं आपको एक खबर देने आया हूँ भाई। मैं गलत नहीं हूँ भाई, मुझे गलत मत समझो भाई। भाई भाई मैंने पैसों के लिए हथियार उठाए थे, लेकिन भाई मेरा एक उसूल भी है, मैं अपनी बिरादरी पर उसका इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन भाई मैं जानता हूँ सब लोग मेरी तरह नहीं हो सकते। उर्गेश पांड्या से आप बच कर रहिए, मेरी बात मानिए। वो सिर्फ आपको नहीं आपके पूरे परिवार को मारने के लिए उसने बाहर से आदमी बुलाए हैं भाई। आप जरा सावधान रहिएगा भाई, यही बताना था आपसे, इसीलिए आपके पीछे आया था। एक इंच बढ़कर चलाता तो सर अलग हो जाता। मैं शांत हो गया था, मगर तू फिर मुझे लड़का रहा है।
उर्गेश, जिस दिन तूने मेरे भैया को पीठ पर वार किया उसी दिन मैं समझ गया था कि तू मर्द नहीं है। मैं तेरी जान नहीं लूंगा। अगर तुझे मारना था तो मैं कब का तेरे घर में घुस कर तुझे मार देता। तू सामने से लड़ नहीं पाएगा, तू कायर है। इस छेद को कभी मत भरना। अगर तूने भर दिया तो मैं तुझे टुकड़े टुकड़े करके तेरी लाश नदी में फेंक दूंगा। पूरे गांव को मालूम होने दे कि ये छेद तर्केश्वर ने बनाया है और तर्केश्वर उर्गेश पांड्या को जीवन दान देता है। इसे देख देख कर तुझे शर्म के मारे डूब जाना चाहिए। भाग जा। इनकी बेइज्जती तो बहुत ही कम हुई है। यहाँ शेर जैसे चार पुतों को छोड़कर किसी और को ले गए थे, उन लोगों से कुछ हो पाया क्या? अरे सुनो, हमारे जैसे कोई काम कर पाएगा क्या? बोलिए, कोई कर पाएगा? क्यों दादाजी, आपको हम पर भरोसा नहीं है क्या? अगर वो तीनों आपके बेटे थे तो वो तीनों हम लोगों के पिताजी भी थे। हमारे सीने में भी उनके लिए दर्द है। आपकी जायदाद में हमें हिस्सा नहीं चाहिए दादाजी, मगर आपके गुस्से में हमें हिस्सा चाहिए। आप सिर्फ इशारा कीजिए दादाजी। 2 साल से हम उसकी पूरी खबर ले रहे हैं। हम जानते हैं कि वो कब, कहां और कैसे बिना हथियार के मिलता है। इस बार वो नहीं बचेगा दादाजी, हम उसे टपका देंगे। Thank you.
क्या हुआ बेटा, तुम इतने रात गए जाग रहे हो, सोना नहीं है? मुझे सोए बहुत साल हो गए माँ। भैया की मौत के बाद मेरी नींद हराम हो गई है। मैं अपनी आंखें बंद नहीं कर पाता हूं मां, मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि मेरे हथियार उठाने से कहीं कोई इस पर वार नहीं कर दे मां। तुम कहती हो मुझे देखकर सब डरते हैं, मगर मुझे दुनिया से डर लगता है, और ये बात मैं किससे कहूं? अगर कोई मुझे 5 मिनट देखता है तो कहीं वो उर्गेश पांड्या का आदमी होगा। क्या वो अकेला आया है या फिर बहुत लोगों के साथ आया है? सोचकर मैं कांपने लगता हूं मां। मैं तो एक्टिंग करता हूं कि मैं किसी से डरता नहीं। अभी मेरा एक ही डर है, कहीं ये बड़ा होने के पहले ही हमारा खानदान बिना किसी औलाद के रह जाएगा। आप सो जाइए माँ। मैंने ही जल्दबाजी कर दी, गलती मेरे से ही हो गई। बड़े बेटे को खोने के गम में मैंने अपने छोटे बेटे को जीते जी वहां डाला, और तूने अकेले ही सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। मैं क्या करूं? लोरियां गा के तेरे को सुलाया करती थी मैं, पता नहीं मेरे कहने पर तेरी नींद भी चली जाएगी। मुझे माफ कर दे बेटा। नमस्ते। आइए बैठिए। बैठो बेटा। परमं पवित्रं प्रजापदेह यस्य गजं पुरस्तात् आयुष्यं अग्र्यं प्रतिमुञ्ज शुभ्रं यज्ञोपवीतं फलमस्तु तेजः। ॐ दर्भे स्वासीनः दर्भान् धारयमानः। ॐ पितृपितामह प्रपितामह कार्यकर्मणि इदं दर्भान् धारयामि दर्भये नमः। शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजम् ॐ भूः मोबार्तसमस्तदुरिदक्षेद्वारा प्राचीनवीति यजमानस्य पितृपितामह प्रभितामहानां शिवगोत्राणां भोस्नामधेयस्य यजमानस्य पितुः। सप्तवर्षप्रज्ञाब्देह श्राद्धे गंगा यमुना सरस्वती काशी निमित्ते इसको जल में प्रवाहित करने के बाद 3 बार डुबकी लगाकर यहाँ आ जाना। Thank you.
उसके गले से चाकू हटाओ। छोड़ दे उसको, बोल रहा हूं मैं। ए, आगे मत बढ़ना नहीं तो काट डालूंगा। तारकेश्वर, तेरा सर धड़ से अलग करने के लिए सोचा था मैंने, लेकिन तेरी आंखों में मौत का डर देखना चाहता हूं मैं। अब तू किसी भी हाल में नहीं बचेगा। भाई उसे काट डालो। चाकू हटा उसके गले से। मौत सामने खड़ी है फिर भी तेरी ऐंठ नहीं गई है। बहुत ताकत है तेरे में। बकबक क्या कर रहे हो, काट डालो इसे। नहीं रुको, ये भागना चाहिए। मारने के बाद इसने हमारे पिताजी का गला काट कर जलाया था ना। जान जाने के दर्द का इसे एहसास होना चाहिए। गांव वालों को मालूम होना चाहिए कि तारकेश्वर उर्गेश पांड्या के पोतों से डरकर भाग गया। मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, भाग जाओ। भागो, बोला ना। भाग, 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 भाग। ए, भागो, बोला ना, चल भाग। देखता क्या चल। मारने का फैसला कर लिया ना तो आओ मारो। छोड़ दे इसे। इसे छोड़ दो, इसे भी काट डालते हैं। एक ही केस बनेगा ना। जाने दे उसे, बच्चा है, जाने दे। ये आज बच्चा है ना, कल यही बड़ा आदमी बनेगा। बच्चा है, कल आकर उसे गवाही देने दो, उस समय हम इसे मार डालेंगे। चल छोड़ इसे, बोला ना छोड़ दे। चलो चलते हैं, चलो। चाचा, चाचा।